ध्यान दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 23 अप्रैल और मैं हो चुका रेडी घूमने के लिए। और पीछे आप वेदर देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ पड़ा है, लेकिन कभी धूप हो रही है कभी छांव हो रही है, तो मैं जगह ना डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने दो जगह डिसाइड कर रखी है, एक है जहाँ पे छत वगैरह है, शेल्टर है, वहाँ पे एसी है, एक जगह है जहाँ पे क्या कहते हैं छत नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट है, तो ऐसी जगह पे हम इस मौसम में जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे मौसम फ्लक्चुएट होता रहा, ये कभी वो धूप छांव होती रही, तो फिर मेरा वहाँ जाना मुश्किल हो जाएगा जहाँ पे एसी वगैरह नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं अभी बाहर वेदर कैसा है और ये मैं डिसाइड करूँगा मेट्रो में बैठ के मुझे कहाँ जाना है। तो चलो चलते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो ये आपको वहीं पता चलेगा। चलिए, फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ यहाँ पे आर के पुरम मेट्रो स्टेशन और मैं जा रहा हूँ संजय वन। संजय वन मतलब एक पार्क है, लेकिन उसको लोगों ने मतलब एक जंगल का नाम भी दे रखा है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कैसा है वो संजय वन। काफ़ी अच्छी जगह मैंने देखा था गूगल वगैरह में, तो चलो पूछते हैं यहाँ से उसका रास्ता कहाँ। तो फ्रेंड्स मैंने पूछ लिया और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ऑटो लेके, क्योंकि 1.5 किलोमीटर भी दिखा रहा है 1.5 समथिंग। तो ठीक है, मैंने ऑटो बुक कर लिया, ऑटो आ रहा है और थोड़ा चल गया और वेदर अच्छा है, तो मैंने सोचा यहीं पे जाना ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो वाली जो जगह है दूसरी जगह वहाँ पर तो मैं बाद में भी जा सकता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ओपन में नहीं है, वो मतलब इसी वगैरह बड़ी जगह है। तो चलो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं संजय वन कैसा है। ऑटो मेरा आ चुका है, मैं ऑटो के अंदर बैठ जा रहा हूँ। चलिए, संजय वन जैसे कि आप देख रहे हैं DDACT फॉरेस्ट, और अब मैं अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे संजय वन, और अब मैं करने जा रहा हूँ एंटर और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी थोड़ी सी हो गई है धूप, तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, बट यहाँ पे अभी देखते हैं अंदर जाके क्या चीज़ है क्या नहीं है और आपको चलिए। तो अब मैं करने जा रहा हूँ अंदर एंटर और चलिए चलते हैं। पता नहीं, कई लोग बोलते हैं यहाँ पे हॉन्टेड प्लेस है, ये है वो है, सब पता नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा कुछ लगता। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, लोगों ने ना बना रखा होता है, और ऑल तो मैं ऐसे कुछ बिलीव भी नहीं करता हूँ कि भूत भूत ये वो। तो आप देखो वहाँ पे बहुत अच्छा, और सामने है बरगद का पेड़, आई गेस बरगद ही बोलते हैं, जैसे इसकी ब्रांचेस लटकी पड़ी है ना, तो ये देखिए बहुत सुंदर है ये। और सामने देख रहे हैं हमें डॉगी, अरे यार आप किसको बोलो फोटोग्राफ क्लिक करानी हो, ये देखिए।
देख रहे हैं पीछे एकदम बहुत अच्छा वो बना हुआ। थोड़ी सी धूप हो गई है, कोई बात नहीं, बट लेकिन फिर भी हम अंदर जाके और एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर मैंने दो शॉट फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा दी, तो चलो चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं। और ये इधर आप देख सकते हैं मैप वगैरह दे रखा है इन्होंने, बहुत बड़ा है ये आई गेस। ये देखिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको रूल्स फॉलो करने हैं, नियम लिखे हैं इसमें, देख लीजिए आप नियम। चलो आप चलते हैं और अंदर। और ये सामने है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट। तो काफ़ी अच्छा वेदर है और अच्छा हुआ मैंने यहीं का प्लान कर लिया, और क्योंकि वहाँ पे आपको बताया वहाँ पे जो जगह है वो दूसरी जगह पे जो जाना था मुझे वो है एसी वाली जगह, वो तो हम बाद में भी जा सकते हैं। ऐसी जगह के लिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा मौसम चाहिए होता है। तो चलो चलते हैं। और वाह यार, मैं फ़ोटो कैसे क्लिक कर रहा हूँ, देखो पीछे ऐसे यहाँ बैठ के फोटोग्राफ कर रहा है। वाह रुको ज़रा, देखो फ्रेंड्स, वाह ब्यूटीफुल। यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे जंगल है तो इधर जानवर वगैरह भी होते हैं। और ये कोई मंदिर वगैरह आई गेस, ये देखिए, चलिए उसके पीछे पता चले यहाँ पे कोई शेर वेर भी आ गया। वाह वो अंदर चला गया, मोर नहीं वो रहा, कितना अंदर जाऊँ मैं, चलो चलते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स वो काफ़ी अंदर चला गया लेकिन अंदर जाना सेफ नहीं है, तो अब हम चलते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा जंगल वंगला हो सकता है, कोई जानवर वगैरह भी हो उधर, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे होते हैं जैसे कि आपने अभी देखा मोर। तो चलो अब और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यस, तो ये लिखा है यू आर इनसाइड ए नोटिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड प्रिजर्व फॉर योर चिल्ड्रन, वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं, और वो मोर नहीं है यहाँ पे, वो मोर नहीं है मोर। तो ये देखिए अंकल जी भी आए यहाँ पे, तो काफ़ी लोग अभी आए थे यहाँ पे वॉक वगैरह करने के लिए, घूमने के लिए, तो काफ़ी बड़ा है ये जंगल। ये देखिए और पीछे आप सुन सकते हैं ये बैकग्राउंड नॉइज़, ये जो आवाज़ आ रही है चिड़ियों की, वाह ये बहुत अच्छी लगती है ना। तो अच्छा है, एक तो ये धूप को भी याद आता था थोड़ा सा अभी, मतलब नहीं थी जैसे मैंने एंटर किया ना, मतलब मतलब इंतज़ार कर रही थी कि धूप आए, मतलब तरन आए तो धूप में आऊँ। सामने क्या है, तो सामने क्या है, कुछ आवाज़ सी आ रही है भाई साहब। हाँ कुछ था अभी, कुछ जानवर सा था बड़ा सा, चला गया, कोई नहीं, चलो अब हम आगे चलते हैं फिर। ये देखिए कुछ एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, आवाज़ आती है ना, कोई था ऐसा बड़ा सा, कुछ जानवर था। चलो ठीक है अब हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रहा हूँ अंदर, और अंकल जी ने मेरी फ़ोटो क्लिक कर दी, थैंक यू सो मच। और अंकल बता रहे हैं आगे बहुत बड़ा अभी पार्क है आगे, ऊपर से आपको कुतुब मीनार वगैरह भी दिखता है, और आप बता दें हंस वगैरह भी है इधर, इधर भी है। तो थैंक यू सो मच अंकल, तो मैं आगे जाता हूँ, बाय। तो ऐसे मतलब लोग हेल्प कर देते हैं अगर आप किसी से हेल्प मांगो, और पीछे देखिए लोग आ रहे हैं, और चलो चलते हैं फिर आगे देखते हैं हंस वगैरह।
फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर विजिट करना। मैंने क्या कहते हैं जनकपुरी वेस्ट से मेट्रो चेंज की थी मजेंटा रेंज के लिए, आर के पुरम यहाँ पर मैं उतरा और मुझे ऑटो वाले ने चार्ज किए 50 रुपीज़। 1.5-2 किलोमीटर है विच इज़ फेयर इनफ, इतना तो चलता ही है। और आप पीछे देखिए और इस वीडियो की आवाज़ सुनो, वाओ यार मुझे तो वैसा है मेरा तो मतलब ये है कि पूरा कैप्चर कर लूँ, बट मेरे फ़ोन में ना इतनी स्पेस नहीं है, तो फ़ोन भी लूँगा जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तो अच्छे वो ज़्यादा स्पेस वाला लूँगा। तो अभी आईफोन है इसमें 64 GB है, बड़ी प्रॉब्लम होती है यार इसमें। तो चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। वाह अच्छा यार, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस इन दिल्ली, वाह जिस पर से मुझे ये मिला। चलो ठीक है चलते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट भी पास में है और अच्छा है, इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं है। और देखो वहाँ पे सामने बच्चे भी बैठे हैं, उधर वो लोग भी यहाँ पे आए हैं विजिट कर रहे हैं। ये देखिए अब इधर ये देखो आपको दिख रहा होगा। हाँ तो चलो ठीक है, ज़्यादा बट नहीं करते चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गोरखनाथ मंदिर 0.60 किलोमीटर और यहाँ पे है एग्जिट नंबर 3 और 5 रॉकलिन हॉस्पिटल कतुब मीनार लड्डू सराय। वाओ ठीक है तो चलते हैं आगे। हाँ इसमें जा रहा है इधर जाएँ, काफ़ी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत बड़ा है ये वन, एक्चुअली में ये वन ही है। देखिए सामने से लोग भी आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे से पानी जमा हुआ पड़ा है और यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी, अभी अब बंद हो गया। वो ये ना कोई आते जानवर भी अलर्ट हो जाते हैं। ये देखिए रॉक लाइन हॉस्पिटल और यहाँ से जाता है रास्ता, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा ये बना हुआ है। वाओ नाइस, ये देखो फ्रेंड्स पानी की कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। और ये पानी यहाँ पे जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, और देखो अच्छी जगह है। लेकिन ये धूप ने धोखा दे दिया, धूप आ गई सीधा मेरे मुंह पे पड़ रही है धूप। तो चलो चलते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और आगे कुतुब मीनार भी इधर से दिखता है। तो चलो ये देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा से बना हुआ ये, वाओ। देखिए वाओ, अब सामने जान सकते हैं यहाँ पे कुछ जानवर वगैरह भी हो सकते हैं, जानवर से मतलब कुछ सांप वगैरह ना हो अंदर, पता चले और लपेटे में आ गया वहाँ पे अच्छा है यार इधर ये आप देख सकते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी मिडवे लेक, झील में पानी गहरा है कृपया अंदर ना जाएं, कि किसी ने ना हटा दिया इसमें से। ओह लोग भी ना, वही है कोई स्कूल के बच्चों के पता, वो आपको पहले अवेयर कर रहे हैं, केयरफुल कर रहे हैं, आपको भी अंदर हो सकता है मतलब गहरा तो पानी है, ऊपर से स्नेक वगैरह भी हो सकते हैं, आपको फिर पकड़ लिए कुछ हो गया बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चलो चलते हैं और आगे। तो
फ्रेंड्स, वो जो आपने देखा था ना अभी अंकल जो मेरी फोटोग्राफ क्लिक कर रहे थे वहाँ पे पीछे, तो मेरे हाथ में बैग वगैरह था, तो मुझसे पूछ रहे थे वो कि आप क्या काम करते हो, वो तो नॉर्मल मतलब ऐसे पूछ रहे थे। तो अच्छा लगता है कि आपसे कोई पूछ रहा है, ऑब्वियसली आप थोड़े अच्छे मतलब प्रेजेंटेबल होते हो, ये होते तो आपसे लोग खुद इंटरेक्ट करते हैं। तो हम सबको अच्छे से बन ठन के रहना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हो फिर भी आपको करना है, ऐसा नहीं है। तो जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, अच्छी या बुरी, तो दोनों को हमें मैनेज करके चलना है, क्योंकि दोनों से ही लाइफ जो है बैलेंस करके मतलब चलती है। जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छाई भी है बुराई भी है, तो उसी तरह अच्छे दिन भी होते हैं बुरे दिन भी होते हैं, तो दोनों को हमें मैनेज करके चलना चाहिए। सॉरी ज़्यादा लेक्चर हो गया क्योंकि नहीं तो अच्छा लगता है ऐसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, बातें करो लोगों से, नए नए लोगों से मिलो, तो सोशल गैदरिंग। और चलो ठीक है, ज़्यादा पक पक नहीं करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा घूमता हूँ। और पीछे देखो यहाँ पे रास्ता है, ये अच्छी जगह है, तो वहाँ देखते हो। वो जो अंकल बोल रहे थे यहाँ पे हंस हैं, ये है वो कुतुब मीनार, वो सब तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत बड़ा है एक्चुअली में। ये देखो पीछे रास्ता, चलो चलते हैं और फिर आपको कुछ नया दिखाता हूँ। ये तो जंगल दिखाई जा रहा हो, बोर हो जाओगे आप। ये देखो फ्रेंड्स, ये तितलियाँ, वाओ कितनी सारी हैं। चलेगी इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। चलो फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर मैं आया हूँ यहाँ से मतलब जा रहा, और इधर जिम वगैरह भी है। अच्छा, और बाहर थोड़ा रोड वगैरह दिख रही है। ओ ये कौन सा जानवर है, ओह ये कौन सा जानवर है, नाइस, पता नहीं कौन सा है, कि जानवर घोड़ा क्या है ये, माल देखो। ओके ये तो जैसे रहते ना अपना अंग्रेजी, जो अपना अंग्रेजी क्या कहते हैं, से इंग्लिश स्टोरीज होती है बच्चों के लिए, वो है ना उसमें ऐसे दिखते ना वो जो जिनके सींग वगैरह होते हैं, फेरी टेल जैसे ऐसे स्टोरीज जो होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको पता चले ये कौन सा एनिमल है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, वैसे तो गूगल में पता चल जाएगा। गूगल में क्या कर सकते हैं आप, उधर ऑप्शन आता है ना कैमरे वाला, उसके अंदर आप क्या करना, एक फ़ोटो जो होती है ना वहाँ पे अपलोड करना और आपको पता चल जाएगा ये कौन सा एनिमल है, तो मैं वही करूँगा और आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स मैंने गूगल किया था अभी, तो मुझे पता चल गया ये है नीलगाय, कोई बहुत बड़ा जानवर बोल रहे कौन सा है, तो इसके बारे में और थोड़ा भी पढ़ेंगे घर जाके, लेकिन बस मैंने आपको नाम बताना था इसलिए मैंने दोबारा से आपको बता दिया। तो ये है नीलगाय, ऐसे कुछ ज़्यादातर हाउ टू प्रोनाउंस, तो यही मुझे आपको बताना था। ये नीलगाय कोई जानवर है, एनिमल है, तो बहुत अच्छा है, तो चलते हैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, पता चले मेरे पीछे पड़ गया। चलो आज संडे था तो जिम भी नहीं हुआ, तो चलो यहाँ पे जिम कर लेते हैं, बट नहीं टाइम नहीं है, वन घूम लेते हैं, वन इतना बड़ा है ऐसे इतना गाड़ी हो जाएगा। चलो चलते हैं। अच्छा यहाँ पे प्लेट्स वगैरह भी लगे हुए, नाइस, चलो और चलते हैं आगे। Thank you.
तो फ्रेंड्स सामने कुछ लिखा है, दिल्ली में पाए जाने वाले सांप, स्नेक्स ऑफ दिल्ली। ओके, एक तो ये लोग खराब क्यों कर देते हैं यार। चलो चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे पानी की आवाज़ भी आ रही, कितनी अच्छी लग रही है ऐसे। ओ वाह, पूरा सामने ऐसे पानी झरना वरना। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये तो सीवर का पानी है। नहीं, चलो आगे चलते हैं वापस। तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे माउंटेन कुछ बना हुआ है और आगे जा रहे हैं बच्चे। अच्छा है। अच्छा, ऐसे बोलते हैं पीकॉक हिल्स। नाइस, तो यहाँ से जाएंगे कैसे ऊपर, ये देखते हैं कोई है ऊपर। अच्छा, वो लोग भी हैं। वाह, इधर से जाने का है शायद। चलिए चलते हैं ऊपर। ये है रास्ता अंदर जाने का। चलिए चलते हैं, देख के आते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये है पीकॉक हिल जो मैंने आपको अभी नीचे दिखाया था, जो मैं नीचे से आ रहा था। वाह, और मैंने भी फ़ोटो क्लिक कर दी, बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक करी थी इन्होंने मेरी, ये जो ब्लैक में है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। एक तो ये धूप आ गई है ना, यहाँ धूप नहीं आनी चाहिए। ये देखो तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है। और अच्छा, तो फ्रेंड्स आप लोगों को भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए ऐसी जगहों पे। मुझे भी नहीं पता था, आप देखो क्या अभी अकेला यहाँ पे रह रहो ना, तो फिर आप बोर हो जाते हैं, आप यहाँ पे सैटरडे संडे अब क्या करेंगे। और ऑल तो आपको थोड़ा वो भी चाहिए, क्या कहते हैं, यूट्यूब वगैरह भी चाहिए, ब्लॉगिंग भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें फिर एक्सप्लोर करना तो बनता है। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। ये तो बहुत अच्छी सी जगह मुझे मिल गई यार। चलो मैं उतर जाता हूँ, पता चले फ़ोन के साथ मेरे यहाँ पे ब्लॉगिंग होगी, 4G मेरा डाटा टूट जाए। अच्छा लग रहा है ये देखो फ्रेंड। चलो ये देखिए, यहाँ पे था मैं भी ऊपर, और अभी हम नोर जाते हैं। ये देखिए, वाओ ब्यूटीफुल। ये देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये भी आया है क्यूटी सा। वाओ, इसको प्यास लग रही है यार, कैसे दो पानी इसको। चलिए इनको बोलते हैं फोटो क्लिक कर देंगे मेरी। और वो जा रहा है प्लेन। तो फ्रेंड्स काफ़ी मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, अभी और भी बचा है, पता नहीं कितना है। ऊपर से कार्डियो तो हो गया आज का संडे का, लेकिन धूप बहुत है, आप देख सकते हैं धूप। वैसे जब मैं निकला था तब धूप नहीं थी, मैंने आपको दिखाया था वेदर जब मैं मेट्रो स्टेशन में था, लेकिन अब यहाँ पे पहुँचते एकदम से धूप हो गई, एकदम से बाजू वगैरह में भी टैनिंग हो गया। मुझे फुल स्लीव्स डाल के आना चाहिए था, मैंने तो सोचा था अच्छा है मौसम। चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। और मुझे कुतुब मीनार वगैरह वाला कुछ भी नहीं दिखा सा, देखते हैं आगे कहाँ दिखता है।
फ्रेंड्स, अभी पीछे जो अंकल आ रहे हैं उन्होंने बताया कि वॉकिंग डेज में आओ तो आपको माली वगैरह भी हैं वो ज़्यादा और अच्छे से बता देंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको जानवर वगैरह भी दिख जाते हैं इधर कभी कभी, जैसे मुझे अभी दिखे थे। तो चलो अभी चलते हैं आगे, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी आगे बहुत लंबा ज़्यादा पार्क है यार, बहुत पार्क है मतलब इट्स कॉल्ड जंगल। ओके सो अंकल, व्हाट एल्स आई कैन सी अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स? ओके अच्छा, यहाँ पे वो भी है बत्तख वगैरह भी। चलो फ्रेंड्स अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है बत्तख। सो लेफ्ट हैंड साइड, हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं और देख के आते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं वो इधर यार बत्तख बत्तख दिखते हैं। एक तो फ़ोन की मेमोरी ख़त्म ना हो जाए, मुझे ये हो रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी अंकल ने बताया था यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बत्तख वगैरह, तो आप ये देख सकते हैं। वाओ, मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ। आवाज़ सुनो कि अरे वो गिरने वाला था छिटकू। चलो थोड़ा देखता हूँ आगे जाके कहीं क्लोजअप करके दिख जाए। और वाओ, ऐस इसमें होते ना वो जो कमल का फूल वगैरह है ना, ये नाइस। वाओ, ये देखो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आ गया, वो कैसे शो नहीं खा रहे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कैसे वो बातें कर रहे हैं आपस में। वाओ, काश हम समझ पाते उनकी बातें, अच्छा लग रहा है। तो चलो थोड़ा सा मैं उनको दिखाता हूँ अपना थोपड़ा दिखाने की बजाय। चलिए तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ वापस, काफ़ी सारा घूम के, बहुत सारा कार्डियो हो गया, 1.5-2 घंटे का तो हो गया है। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे था वो मोर, अब नहीं है मोर, अब यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहाँ पे चला गया। हाँ तो और बाकी वो रहा पीछे वो मंदिर आपने देखा है। तो चलो चलते हैं अब घर, और यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग, छोटा सा नहीं बड़ा सा ब्लॉग। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आगे करेगा उसको एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं करता हूँ साइन ऑफ, बाय बाय।